गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं विरोधी विपक्ष। बहुत दिनों से पुलिस की जांच थी, पुलिस ने आज विभाग के अधिकारियों ने जाकर के गिरफ्तार किया, बताया गया, मैंने पता भी किया इस विषय पर कि माननीय विधायक जी के साथ ये गिरफ्तारी वाली प्रक्रिया, मतलब उनको अभी बातचीत और पूछताछ के लिए रखे हैं, वो अभी रिमांड पर नहीं गए, ऐसा कोई मामला नहीं, अभी बातचीत के लिए, क्योंकि अनेक बातों को पूछने के लिए बार बार उनको बुलाया गया परंतु वो नहीं आए, इसलिए जो सामान्य कार्यवाही है पुलिस की वो की गई। अब इस कार्यवाही के समय में जो मसला था, पता चला मुझे कि वो एक हाथ में श्वेत ध्वज लेकर, और उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा दिया इनका। भैया श्वेत ध्वज जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे बाबा गुरु घासीदास जी के शांति के संदेश का प्रतीक है, और ऐसे संदेश के प्रतीक को बलौदा बाजार जैसी घटना के साथ जोड़ना, यानी कि एक समाज को उस घटना से जोड़ना, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। असामाजिक लोगों ने किया है सब कुछ, समाज पवित्र पावन है, समाज ने कभी ऐसा ना सोचा ना किया है, समाज सदैव ही सभी के उन्नति का मार्ग सोचती है, सबकी प्रगति का मार्ग सोचती है, इसलिए समाज का उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही मेरा आग्रह सभी से कि बड़ी घटना हुई थी, इसलिए पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए। सतनामी समाज के लोग जो है अभी भी आंदोलन में प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समाज का कोई मसला नहीं है।